हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आर्निकास किचन में। आज हम लोग बनाने वाले हैं कटे खड़े मसाले का मटन, तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं। कटे खड़े मसाले का मटन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1/2 किलो मटन। ये मैंने लिया है नेचरलैंड का गरम मसाला, ये है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का यूज़ हम लोग करेंगे मटन बनाने के लिए। नमक स्वाद के अनुसार। 1/2 किलो मटन बनाने के लिए मैंने 4 बड़े प्याज काटे हुए हैं, ये ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में। 3 हरी मिर्च खड़ी, ये 7-8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक जिसको कि मैंने घिस लिया है, ये 1 चम्मच खड़ा जीरा, 3 खड़ी लाल मिर्च, ये 1 नटमेग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, ये जावित्री डाली है मैंने, दालचीनी 3-4, लौंग 4-5, और ये तेज़पत्ता, और ये खड़ी काली मिर्च 5-6। तो चलिए चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुकर रखेंगे गर्म होने के लिए। अब हम लोग डालेंगे इसमें मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम लोग डालेंगे इसमें खड़े मसाले। ये सारे खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे, नटमैग को छोड़ के सारे खड़े मसाले हमने डाल दिए हैं। और साथ ही साथ ये सब सारी चीज़ें, प्याज और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये सब भी हम डाल देंगे। और साथ ही साथ मटन भी हम डालेंगे। चला लेंगे अच्छे से। इसी के साथ हम लोग ये गरम मसाले भी डाल देंगे इसमें। ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला है। नमक स्वाद के अनुसार। नटमेग को इसमें घिस के हम डाल देंगे। इसको धीमी आंच पे कर देंगे और ये तब तक इसको भूनना है जब तक सारा प्याज और सारे मसाले सब गल ना जाएं। लिड लगा देंगे, बंद नहीं करेंगे, बस ऐसे ही ढकेंगे इसको। देखिए, हम लोग इसको खोल के देखेंगे। अच्छी तरीके से ये भुन गया है। अब एक चीज और हम लोग ऐड करेंगे इसमें, वो है ये आलू। ये इतने बड़े आलू हम लोग लेके छील के उसको इसमें डाल देंगे। इसको बीच में से काटे नहीं, क्योंकि मटन और ये आलू अगर हम इतना बड़ा काट के डालते हैं तो एक ही टाइम पे पक जाएगा। अगर हमने उसको काट दिया आलू को, तो आलू जल्दी पक जाएगा और मटन हमारा उतना नहीं पक पाएगा, तो इसीलिए आप उसको काटे ना। हम लोग डालेंगे इसमें पानी। और अब हम लोग इसमें लिड लगा देंगे और कम से कम 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ेंगे धीमी आंच पे। अभी इसका फ्लेम हाई पे है, जैसे ही एक विसल लेगा ये, तो तुरंत हम लोग इसको लो फ्लेम पे कर देंगे। और लो फ्लेम पे कम से कम 15 मिनट ये पकेगा, उसके बाद हम लोग इसको खोल के देखेंगे। 15 मिनट बाद मैंने इसको ऑफ कर दिया था। अब चलिए चलते हैं, खोल के देखते हैं एक बार। ये देखिए, बहुत अच्छा ये गल गया है। चलिए हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये देखिए, कटे खड़े मसाले का मटन बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी ऐसे ही बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग इस रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।